नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। तो मित्रों, आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में भूल कर भी हमें ये 5 काम नहीं करने चाहिए। इन 5 कामों को करने से माता रानी रुष्ट हो सकती है। सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि कौन से 5 काम हमें नवरात्रि के चलते नहीं करने चाहिए। मित्रों, बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मित्रों, चलते हैं वीडियो की तरफ। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम और धार्मिक मान्यताएं भी हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। नियमों के विपरीत करने पर देवी माता रुष्ट हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार अगर इन नियमों का पालन करने में माता रानी की कृपा मिलती है और मनोकामना पूरी होती है, जाने किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है नवरात्रों दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव ना आने दें। शास्त्रों में यह तक कहा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती है। यदि आपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी का अखंड ज्योति लगा रखी है तो घर खाली ना छोड़ें। यानी घर में किसी ना किसी का होना बहुत जरूरी है। साथ ही व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना होता है। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं। ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए क्योंकि कलह करने से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है जिससे देवी माँ रुष्ट हो सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवादों से दूर रहें। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। माना जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि 9 दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार व्यवहार और विचार में आपके सात्विकता होना जरूरी है, तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ मिल सकेगा। आप इन दिनों प्याज लहसुन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना आवश्यक होता है। तो मित्रों, यह थे वो 5 काम जो हमें भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में नहीं करने चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, आशा करते हैं कि इस नवरात्रि आप सभी पर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। धन्यवाद। इष्टदेव सदा सहाय हों।